स्टेशन रीडेवलपमेंट के तहत रायपुर स्टेशन का 470 करोड़ की लागत से कायाकल्प होगा। स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़े कामों के पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी। स्टेशन बिल्डिंग की डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित है। स्टेशन के नए मॉडल का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। रायपुर स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान आ चुका है, किस तरीके से नया स्टेशन का लुक होगा ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये इस तरीके से आउटर लुक रहेगा, बिल्डिंग इस तरीके के स्टेशन आने वाले समय में दिखेगा और क्या क्या फैसिलिटीज रहेगी स्टेशन रीडेवलपमेंट के, कितनी राशि इसमें खर्च की जाएगी, कितना समय लगेगा, ये सब जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ रायपुर डिवीजन के सीनियर डीसीएम विपिन वैष्णव जी मौजूद हैं। सर, नया मॉडल आ चुका है, नया डिस्प्ले आ चुका है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके का ये रहेगा, थोड़ा बताएंगे। व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये स्टेशन में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ हमने ध्यान दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मेट्रो स्टेशन की पार्किंग, और मेट्रो स्टेशन के लिए अगर फ्यूचर में कभी मेट्रो स्टेशन आएगा उसके लिए ये स्पेस दी हुई है कि मेट्रो से लोग आएंगे वो यहाँ से सीधा उतर के इधर जा सकेंगे। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है, इसके अंदर में सिटी बसेस आ पाएंगी और जो ऑटो रिक्शाज हैं, जो टैक्सीज हैं, वो इसके अंदर में रहेंगी। यहाँ से लोग सिटी के विभिन्न एरियाज में कनेक्ट हो सकेंगे। मेट्रो भी है, मल्टी मॉडल हब है, ये ड्रॉप एंड गो पार्किंग है, जो लोग छोड़ने आएंगे अपने परिजनों को यहाँ पर ड्रॉप करके और यहां से एग्जिट कर लेंगे। मॉडल को लेकर जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रायपुर सांसद सुनील सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। 508 रेलवे स्टेशन में आज रायपुर में भी लगभग 470 करोड़ से अधिक राशि जो है खर्च करके, और ये जो मॉडल दिख रहा है ये एयरपोर्ट से भी खूबसूरत जो है वो मॉडल आपके सामने में रहेगा। पार्किंग जो है मल्टी लेवल होगी, इसके अंदर में बस वालों की चिंता है, इसके अंदर में प्राइवेट गाड़ियों की चिंता है। रेलवे कनेक्टिविटी जिसमें आम जनता सफ़र करती है उसके लिए इतनी बड़ी सौगात मिलना, हम इसके लिए मोदी जी को और वैष्णव जी को, रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत सुंदर है और सुविधाजनक है, और ये रायपुर का जो एक ऐतिहासिक स्टेशन बनेगा आगे चलकर। बहुत बड़े स्तर पर व्यापार बढ़ेगा और हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि एयरपोर्ट की तरफ पर रेलवे स्टेशन बनेगा। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने एक हमारे सपने को पूरा कर रहे हैं। एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन भारत के रेलवे स्टेशन हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि एक आम मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लोगों को भी स्टेशन आने में सुकून लगेगा, ट्रेन में चढ़ने में सुकून लगेगा और भारतीय रेलवे का परचम बढ़ेगा। हम लोग गुड़ियारी वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी सौगात है। हम लोग पिछले इतने वर्षों से गुड़ियारी एक कटा हुआ क्षेत्र था, स्टेशन इतना पास होने के बाद भी गुड़ियारी वालों को 3 किलोमीटर घूम के स्टेशन रेलवे स्टेशन में आना पड़ता था। अब जो पीछे का एरिया ये डेवलप होगा तो निश्चित तौर पे जो 2 लाख की आबादी गुड़ियारी क्षेत्र में रहती है उसके लिए तो बहुत बड़ी ये सौगात है। मान देखिए, जनप्रतिनिधियों से बात की और मॉडल जिस हिसाब से आप देखेंगे कि पैरेलल दोनों तरफ एंट्री एग्जिट बनाया गया और एयरपोर्ट की तर्ज पर ही इसको डेवलप किया जाएगा। और रायपुर की बात करें तो रायपुर का जो एयरपोर्ट है उससे भी बेहद खूबसूरत ये आने वाले समय में रेलवे स्टेशन होगा, जिस पर लगभग 470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 3 साल का इसमें समय रखा गया है। मतलब 3 साल बाद स्टेशन की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी और ये एक आधुनिक स्टेशन होगा, आधुनिक छत्तीसगढ़ का नया स्टेशन होगा। हाँ, कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।